हेलो दोस्तों, मैं हूँ सारिका शर्मा। मेरे चैनल साईं भंडार में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोस। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पत्ता गोभी लेंगे और इसको हम किस लेंगे। इसको हम बारीक किसने के बाद एक कपड़े में हम इसको रखेंगे। फिर इसका हम जूस निकाल लेंगे। अब ये जूस निकाल कर हम अलग कर लिए हैं। इसके बाद हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लेंगे। इसमें हम 4 से 5 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटा हुआ। इसके बाद हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे। और इसको हल्का भुनेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे हम स्वाद के लिए सौंफ डालेंगे। और इसके बाद हम पत्ता गोभी डालेंगे। अब इसको हम हल्का भुनेंगे थोड़ा सा। इसको लाल नहीं होने देना है, सिर्फ इसको हल्का सा पकाना है, इसका कच्चापन निकालना है। अब इसका पानी पूरी तरीके से सूख चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर यहाँ पे हम 1 पैकेट मैगी मसाला डालेंगे। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम गैस बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे मोमोस बनाने के लिए हम डो तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम 1 पाव मैदा लेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और मोयन के लिए यहाँ पे हम तेल डालेंगे 1 चम्मच। अब उसके बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मोयन अच्छे से मिक्स होगा तभी मोमोस हमारा सॉफ्ट बनेगा। अब इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। अब हमारा डो तैयार हो गया है। इसका हम छोटा लोई तोड़ेंगे। अब हम इसे पतला बेलेंगे। जितना हम इसको पतला बेलेंगे मोमोस उतना ही अच्छा बनेगा, उतना ही जल्दी पकेगा। अब यहाँ पर हम किसी ग्लास, कटोरी या मन चाहे आकार में जैसे भी आपको काटना है आप काट सकते हैं।
अब यहाँ पर हम मोमोस में मसाला भरेंगे। हम बीच में यहाँ पे एक चम्मच मसाला रखेंगे। उसके बाद दोनों तरफ से हम इसको पकड़ेंगे। और फिर इधर लेयर बनाते हुए इसको आराम से हम पोटली का आकार देंगे। यहाँ पर हम गुजिया आकार का मोमोज बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हम मसाला भरने के बाद फिर इसको हम मोड़ लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे काटा चम्मच की मदद से डिजाइन डालेंगे। ये बन गया अपना गुजिया मोमोस। अब चलिए इसको हम भाप में पकाने के लिए ये एक छन्नी लेंगे और इसमें हम जमा देंगे। मैं यहाँ पे छन्नी में भाप देने जा रही हूँ। आप चाहो तो किसी भी चीज़ में भाप दे सकते हो। आप अपनी सुविधा अनुसार इसे भाप में पका सकते हो। आप मैं यहाँ पे इडली का सांचा रखूंगी और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। उसके बाद इसको हम गर्म कर लेंगे और इसके ऊपर से हम छलनी में जो मोमोस रखे थे उसको रख लेंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। अब 5 मिनट के बाद अपना मोमोस पक चुका है। इसको अब हम बाहर निकालेंगे। इसे आप मेयोनीज की चटनी या फिर केचप के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।